बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे हम खबर का। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि वाराणसी कोर्ट ने एसआई को और वक्त दे दिया है। एसआई को सर्वे के लिए 10 दिनों का वक्त दिया। एसआई ने मांगा था 3 हफ्ते का वक्त, कोर्ट ने हिदायत देते हुए ये वक्त दिया है। बता दें कि सर्वे रिपोर्ट जो है वो पेश नहीं की गई थी, दरखास्त की गई थी कि कुछ और वक्त दिया जाना चाहिए क्योंकि रिपोर्ट में अभी कुछ काम होना बाकी है। दोनों ही फरीक को इसका इंतजार है। हालांकि मुस्लिम फरीक की ओर से कहा गया था कि अब और वक्त ना दिया जाए, लेकिन जिस तरह दरखास्त की गई एसआई की ओर से कि काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, कुछ और टाइम जो है वो यहाँ पर लगेगा इस रिपोर्ट को तैयार करने में, और इसी वजह से 10 दिनों का वक्त और दे दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने पहले भी नसीहत दी थी कि फौरी तौर पर जो काम है वो किया जाए। विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। विशाल, क्या जानकारी है, 10 दिनों का वक्त और दिया गया यहाँ पर? इस पूरे मामले को लेकर एएफआई की तरफ से एफिडेविट दिया गया था, जिस पर हलफनामे पर कोर्ट ने जो है इस पूरे मामले में 10 दिन का समय और एएफआई को दिया है, क्योंकि सर्वे को लेकर तमाम तरह के तर्क जो है वो एएफआई ने दिए थे और अभी तक कितना सर्वे हुआ है उसकी जानकारी कोर्ट ने दी थी। तो ऐसे में अब फिलहाल इस पूरे मामले में कोर्ट में एएफआई ने इस बात को लेकर अपनी दलीलें दी, जिस पर कोर्ट ने 10 दिन का समय दिया है, लेकिन ये भी कहा है कि 10 दिन के अंदर ये पूरा सर्वे जो है ये समाप्त हो जाना चाहिए, इसकी रिपोर्ट जो है ये सबमिट होनी चाहिए कोर्ट में। तो फिलहाल 10 दिन का समय अभी एएफआई को लेकर बिल्कुल बिल्कुल विशाल। लेकिन इससे पहले जब मजीद वक्त की मांग की जा रही थी तो मुस्लिम फरीक की ओर से एतराज जाहिर किया गया था कि अब कितना और वक्त रिपोर्ट पेश कर दी जाए। क्या आज इस तरह का कोई रद्दअमल अब तक सामने आया? बिल्कुल, पूरी तरह से कह सकते हैं कि इस पूरे मसले पर, चूंकि एएफआई ने जो है पिछली बार भी अपनी बात रखी थी और ये भी कहा था कि चूंकि सर्वे करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है और ऐसे में थोड़ा सा जो है चूंकि वहां पर सर्वे करने में एहतियात रखी जा रही है, इसकी वजह से तमाम जानकारियां जो है वो समझिए। तो ऐसे में अब कोर्ट ने ये भी कहा है कि एएफआई को कि 10 दिन के अंदर ये पूरा सर्वे की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सबमिट कराई जाए, और चूंकि लगातार बार बार समय मांगने पर जो है सीधे तौर पर एएफआई को इसके लिए नाराजगी भी जाहिर की है कोर्ट ने, लेकिन एएफआई को 10 दिन का समय दे दिया है। बिल्कुल विशाल, क्या वजह बताई गई? कहा जा रहा है कि काम क्या मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाया, कहां पर जो ये रुकावट है ये आ रही है, क्योंकि बार बार वक्त एएफआई की ओर से मांगा जा रहा है, तो क्या दलीलें कोर्ट के अंदर पेश की गई? देखिए बिल्कुल, चूंकि दलीलें जो है वो कोर्ट में ये पेश की गई है कि क्या कुछ जो है ये चीजें अभी तक की जा चुकी हैं, और कोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये एएफआई जो है वो अभी तक तमाम जगहों पर जो सर्वे की है उसकी क्या कुछ स्थितियां हैं, स्टेटस रिपोर्ट क्या है, और इसके साथ ही क्यों वक्त लग रहा है, इन सब तमाम चीजों को लेकर जो है जानकारी साझा की गई है। तो इन्हीं सब चीजों पर कोर्ट ने अभी और समय देने की बात कही है और 10 दिन का समय देने के लिए कहा गया है। बिल्कुल विशाल, मुस्लिम फरीक की अगर बात की जाए, पहले बहुत वेलकमिंग स्टेप जो था एसआई सर्वे को लेकर नहीं था, लेकिन बाद में जब काम शुरू हुआ तो देखा कि ताउन करते हुए साथ देते हुए नजर आए थे। इस वक्त किस तरह का रिएक्शन वहां से मिल रहा है, क्या इंतजार है? इसको लेकर पहले तो मुस्लिम पक्ष ने जो इंतजामी कमेटी है उसने विरोध किया था, लेकिन उसके बाद जब चूंकि इस पूरे मामले में लगातार जो है समय रहा, तो इसको इंतजामी कमेटी बार बार आपत्ति दर्ज करा रही थी। इंतजामी कमेटी ने फिर से आज सुनवाई के दौरान आपत्ति अपनी दर्ज कराई, कहा कि ये सर्वे की रिपोर्ट जो है वो लगातार लेट किया जा रहा है, और इसको लेकर तमाम तरह की दलीलें जो है वो कोर्ट में इंतजामी कमेटी की तरफ से दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल 10 दिन का समय जो है वो इंतजामी कमेटी के खिलाफ फैसला देते हुए एएफआई के पक्ष में दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखना होगा विशाल के किस तरह के रिएक्शन सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक।